अंतर्गत एक लेह कर्म बताया गया है। उस लेह कर्म के अंतर्गत यह स्वर्ण प्राशन का वर्णन हमारे काश्यप संहिता आयुर्वेद के आचार्य हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने किया है। अब इस लेह कर्म यानी कि स्वर्ण प्राशन को हमारे वैदिक काल में कह सकते हैं या प्राचीन काल में कह सकते हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने जो बताया है वो ये है कि बच्चा जब जन्म ले तो उसके जिह्वा पर सोने की सलाका से, यानी कि जैसे आज हम पेन यूज करते हैं लिखने के लिए, तो सोने की सलाका उस तरह से नोकीला हो जिससे लिखा जा सके, सोने की सलाका से या चांदी की सलाका से हम बच्चों के जन्म के उपरांत उसके जिह्वा पर ओम लिखें। वो किस चीज से? स्वर्ण भस्म मधु और घृत के मिश्रण से। यही हमारा स्वर्ण प्राशन है, जो आगे चल करके हमारे काश्यप जो हमारे आयुर्वेद के पीडियाट्रिक्स कह सकते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ, उन्होंने इसका अध्ययन किया और इसको रिसर्च रूप में एक बुक रूप में दिया और एक लेहा अध्याय वर्णन किया। उसमें इन्होंने इसका विवेचन किया और एक प्रोटोकॉल जारी किया और उस प्रोटोकॉल के तहत स्वर्ण भस्म मधु और घृत के साथ है बच्चों के लिए जो जीवन रक्षक औषधियाँ होती है, जैसे वो हम लोग के लिए भी जीवन रक्षक है और बच्चों के लिए भी, जैसे अश्वगंधा हो गया, मुलेठी हो गया, सतावरी हो गया, ब्राह्मी हो गया, मंडूक पर्णी हो गया, आमल की रसायन हो गया, त्रिफला हो गया, यह सब चीज जो है मिला करके और स्वर्ण प्राशन निर्माण का उन्होंने प्रोटोकॉल दिया और पुष्य नक्षत्र दिया। पुष्य नक्षत्र हमारे भारतीय परंपरा में है, वेद पुराण में भी है, जो महीना में एक बार आता है और इस पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन को देने से उसकी प्रभाव बढ़ जाती है। स्वर्ण प्राशन को उस पुष्य नक्षत्र में देने से उसकी प्रभाव बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे काश्यप जी ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ती है, जैसे किसी बच्चों को कोई बच्चा जो है जल्दी बीमार हो जाता है, कोई देर से बीमार होता है, तो हर का अपना अपना इम्यूनिटी होता है और आज इस कोरोना में इम्यूनिटी नाम को तो सब लोग समझ गए हैं कि इम्यूनिटी है क्या, तो ये स्वर्ण प्राशन जो है इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। और एक चीज मैं आप सबको क्लियर करना चाहूंगा कि इम्यूनिटी जो है एक दिन, पांच दिन, दस दिन, बीस दिन में नहीं बढ़ती है। आप कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन तो लिए होंगे तो वो आपको बूस्टअप किया होगा, आपकी इम्यूनिटी को नहीं उत्पन्न कर दिया होगा। तो ये स्वर्ण प्राशन जो है बच्चों में जब जन्म काल से ही हम देते हैं तो इससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ जाती है।